राकेश एक भोला भाला नौजवान लड़का था। वो अपने सौतेले अब्बू के साथ रहा करता था। राकेश जितना दयालु और सुलझे स्वभाव का था, राकेश के पिता उतने ही क्रूर और निर्दयी थे। सुनो लड़के, झाड़ू उठाओ और पूरे घर की सफाई करो, समझे? अगर मुझे घर में किसी भी जगह धूल मिट्टी या मकड़ी के जाले दिखाई दिए तो तुम्हारी डंडे से पिटाई करूंगा, समझे? राकेश ने बहुत मेहनत से घर का एक एक कोना साफ किया, फिर भी उसके अब्बू ने सफाई में कमी निकाल दी। वहाँ देखो बेवकूफ, उस अलमारी पर अभी भी धूल है। जल्दी पोछा उठाओ और सफाई करो उसकी, जल्दी। राकेश अपने अब्बू को खुश करने के लिए पूरा प्रयास करता था, पूरी कोशिश करता था। उसे इंसल्ट करने और उसे नीचा दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे। कई बार राकेश के अब्बू राकेश को ऐसे काम सौंप दिया करते थे जो कि नामुमकिन होते। मैंने गलती से एक बोरी नमक और चीनी को मिक्स कर दिया है। अभी मैं मंदिर जा रहा हूँ, जब तक मैं शाम को लौट कर आऊंगा तक चीनी और नमक अलग अलग हो जाने चाहिए, समझे? अगर तुमने अपना काम पूरा नहीं किया तो रात को तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। राकेश को समझ नहीं आया कि वो एक बोरी नमक और एक बोरी चीनी को अलग कैसे करे। राकेश नदी के पास जाकर रोने लगा। मेरी एक बात सुनो, तुमने मुझे बचपन से जवानी तक देखा है, मैंने हमेशा अपने पिता के आदेश को माना है, मगर आज मैं अजीब मुसीबत में फंस गया हूँ। मुझसे नमक और चीनी अलग अलग नहीं होती, बताओ मैं क्या करूँ? तभी अचानक नदी से एक देवी निकल कर आई। तुम कौन हो? मैं नदी की देवी हूँ। तुम क्यों रो रहे हो बालक? मेरे पिता ने मुझे एक बोरी नमक और चीनी अलग अलग करने के लिए कहा है, जो नामुमकिन है। अगर मैंने ये काम नहीं किया तो मुझे खाना नहीं मिलेगा। तुम यहीं ठहरो और बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं अभी तुम्हारा काम करके आती हूँ। नदी की देवी गई और बस कुछ ही मिनटों में नमक और चीनी को अलग अलग बोरियों में कर दिया। शाम को जब राकेश के अब्बू वापस लौटे तो नमक और चीनी को अलग अलग देख कर चौंक गए। आज तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो तुम मेरे हाथों से बच गए, मगर तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे लिए कल का काम तैयार है। कल तुम 100 किलो सूखी मिर्च को पीसकर उसका पाउडर बनाओगे, समझे? राकेश के अब्बू अगले दिन सुबह दोस्तों के साथ घूमने निकल गए। राकेश को समझ नहीं आ रहा था कि वो 100 किलो मिर्च अकेले कैसे पीस सकता है। राकेश नदी के किनारे जाकर फिर से रोने लगा। नदी नदी, एक बात सुनो, तुमने मुझे बचपन से जवानी तक देखा है, मैंने हमेशा अपने पिता के आदेश को माना है, मगर आज मैं मुसीबत में फंस गया हूँ। मुझसे 100 किलो मिर्ची पीसी नहीं जाती, मैं क्या करूँ? नदी की देवी नदी से बाहर आई और बोली, तुम क्यों रो रहे हो बालक? अरे, मेरे पिता ने मुझे 100 किलो मिर्च का पाउडर बनाने का आदेश दिया है, जो नामुमकिन है। मैं अकेले 100 किलो मिर्च का पाउडर कैसे तैयार करूँ? तुम फिक्र मत करो, तुम कुछ देर यहीं रुको, मैं अभी तुम्हारा काम निपटा कर आती हूँ। देवी गई और 100 किलो मिर्च का पाउडर बनाकर चली आई। अब तुम बेफिक्र होकर घर जा सकते हो बालक। शाम को जब राकेश के अब्बू घर लौटे, उन्होंने देखा कि सारी मिर्च का पाउडर बन चुका है। राकेश के अब्बू की हैरत से आंखें फटी रह गई। लगता है ये लड़का कुछ भी कर सकता है। राकेश के अब्बू के मन में लालच आ गया और उन्होंने अपने बेटे से कहा, ए लड़के सुनो, कल मेरे लिए एक शानदार मकान तैयार करो जिसमें 12 बेडरूम होने चाहिए, समझे? अगर मकान तैयार नहीं हुआ तो तुम्हें घर से निकाल दूंगा, बात समझ लेना तुम। अगले दिन वापस राकेश उस नदी के पास जाकर रोने लग गया। नदी नदी, मेरी बात सुनो ना, मैंने हमेशा अपने पिता के आदेश को माना है, लेकिन आज मैं अजीब सी मुसीबत में फंस गया हूँ। मुझसे 12 बेडरूम वाला मकान तैयार नहीं होता। नदी नदी, मैं क्या करूँ? नदी की देवी निकल कर आई और बोली, तुम फिक्र मत करो, मैं मकान तैयार कर दूंगी।
नदी की देवी ने चुटकियों में 12 बेडरूम वाला मकान तैयार कर दिया। शाम को जब राकेश के अब्बू वापस लौटे तो आलीशान मकान को देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो खुशी से पागल हो रहे थे, लेकिन उन्होंने राकेश के सामने अपनी खुशी जाहिर नहीं की। मैं एक एक करके सारे बेडरूम के अंदर जाकर देखूंगा कि मकान ठीक से बना है कि नहीं। तुम मेरे पीछे रहोगे? राकेश के अब्बू एक एक करके सारे बेडरूम का मुआयना करने लगे। जब वो एक बेडरूम के अंदर थे तो अचानक नदी की देवी वहाँ प्रकट हुई और उन्होंने दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया। राकेश के अब्बू बेडरूम के अंदर कैद हो गए। दरवाजा खोलो राकेश, राकेश दरवाजा खोलो, क्या ये तुमने किया है? हाँ, ये राकेश ने किया है। तो जैसे शैतान की यही सजा है, अब तू हमेशा के लिए यही कैद रहेगा। राकेश ने देवी से विनती की कि वो उसके अब्बू को बाहर निकाल दें, लेकिन देवी ने राकेश को समझाया, आखिर तुम कब तक अपने लालची और जुल्मी पिता की रक्षा करते रहोगी? इनकी ख्वाहिशें कभी पूरी नहीं होने वाली, मुनासिब है इन्हें कैद में ही रखा जाए। अरे मैं वादा करता हूँ, मैं वादा करता हूँ, मैं आगे से राकेश से कोई काम नहीं करवाऊंगा, बस मुझे आजाद कर दो। सोच लो, अगर तुमने कभी भी राकेश को परेशान करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए कैद कर दूंगी। मैंने सोच लिया है, मैंने सोच लिया है, मुझे आजाद कर दो, मुझे आजाद कर दो। देवी ने दरवाजा खोल दिया और राकेश के अब्बू हमेशा के लिए मकान से भाग गए। अब राकेश अकेले उस 12 बेडरूम वाले घर में रहता था। राकेश अकेले रहते रहते बोर होने लगा, तब उसे किसी साथी की जरूरत थी जो सुख और दुख में उसका साथ दे सके। एक दिन जब राकेश घर से बाहर बैठा हुआ था तो उसे एक लड़की दिखाई दी जो कि साइकिल चलाना सीख रही थी। राकेश ने देखा कि लड़की बार बार बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है लेकिन नीचे गिर जाती है। राकेश उस लड़की के पास जाकर बोला, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? हाँ जरूर। तुम साइकिल पर ध्यान मत दो, बस सामने देखो और पैडल मारती जाओ। राकेश ने उस लड़की को एक ही दिन में साइकिल सिखा दी और उन दोनों के बीच में दोस्ती हो गई। मेरा नाम राकेश है और तुम्हारा? मेरा नाम पिंकी है। राकेश और पिंकी मन ही मन एक दूसरे से प्यार करने लगे। कुछ दिन बाद राकेश ने पिंकी से कहा, क्या तुम उससे शादी करोगी? हाँ जरूर। पिंकी एक दिन जब अपने घर पहुँची तो अपने बचपन के दोस्त उदित से मिली। उदित सोचता था कि बड़ी होकर पिंकी उससे शादी करेगी, लेकिन पिंकी उदित को सिर्फ अपना दोस्त समझती थी। पिंकी ने उदित को राकेश के बारे में सब कुछ बता दिया और ये भी बता दिया कि वो राकेश से शादी करना चाहती है। पिंकी अगर मेरे हाथ से निकल गई, तो उसकी सारी दौलत भी मेरे हाथ से निकल जाएगी, इसलिए पिंकी की शादी हर हाल में मुझसे ही होनी चाहिए। उदित ने एक दिन पिंकी को अपने घर बुलाया और पिंकी को स्पेशल चाय पिलाई। अपने दोस्तों को अपने हाथ की चाय पिलाना मुझे बहुत पसंद है। उस चाय में एक जादुई जड़ी बूटी थी। पिंकी उसके काबू में हो गई। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ। पिंकी के घर शादी की तैयारियां होने लगी। राकेश को जब पता चला कि पिंकी किसी और से शादी कर रही है तो उसका दिल टूट गया और वो नदी के पास जाकर रोने लगा। नदी नदी एक बात सुनो ना, मैंने किसी से सच्चा प्यार किया तो मुझे धोखा क्यों मिला? पिंकी ने तुम्हें धोखा नहीं दिया, उसके दोस्त उदित ने उसे वश में किया है ताकि वो पिंकी की दौलत हड़प सके। उसके जादू को तोड़ने के लिए तुम्हें पिंकी के पास जाकर अपना प्यार कबूल करना होगा। राकेश तुरंत दौड़ता हुआ पिंकी के पास जा पहुंचा। पिंकी के हाथों पर उस समय मेहंदी रचाई जा रही थी। पिंकी,
मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ऐसा कहते ही पिंकी पर किया जादू टूट गया और उसे अपने दोस्त उदित की मंशा पता चल गई। पिंकी ने लात मारकर उदित को अपने घर से निकाल दिया और राकेश से शादी कर ली।